ये हौसलों की उड़ान है। वाह सूरज वाह, क्या निशाना लगाए हो आप आज। आज हमारी दीदी वापस भी आई रही है, इसलिए आपके आंखों में चमक भी है और उंगलियों में जान भी। आज 18 तारीख जो है, आज चकोर के आने की खुशी में हम हवेली को दुल्हन की तरह सजा देंगे। विवान भैया, हमने 6 हफ्तों में सिर्फ ये पता किया है कि मार्केट में सबसे अच्छी गन कौन सी है, जो सबसे ज्यादा बिकती हो, तो वो ये निकली। अब हम इसकी कॉपी बनाएंगे और इसको इसकी आधी कीमत में बेचेंगे। चकोर यहाँ नहीं थी तो तैयारी करने में आसानी हो। हम मटेरियल साथ भी लेकर आए हैं, बहुत सारे मटेरियल का ऑर्डर भी दे दिया। अब आजादगंज का बच्चा बच्चा यही काम करेगा। और वो भी अपने घर पे बैठकर। इसके लिए हमें नई फैक्ट्री लगाने की भी जरूरत नहीं। आजादगंज के बच्चों से लेकर बड़े तक अपने घर पे बैठकर ये गन बनाएंगे। आजादगंज का गृह उद्योग होगा ये। क्या बात है विवान भैया, मानना पड़ेगा आपकी गणित वाले दिमाग को। हम दोनों भाई बहन एक शानदार जोड़ी बनाते हैं, तो मिलाइए हाथ इसी बात पे। इमली इमली इमली, हम बहुत खुश हैं आज। हमारी पहले जो शादी हुई थी वो तो झूठी शादी थी, लेकिन अब हम असली शादी करेंगे, पूरी बस्ती के सामने विधि विधान के साथ। असली शादी, सूरज और चकोर की शादी। सूरज, हम सच में बहुत ही खुश हैं। जिस तरीके से आप हमारी दीदी की खुशी के लिए सब कर रहे हो, हम बहुत ही खुश हैं। ऊपर आओ तुम। अभी आते। सूरज, हम अभी तो जा रहे, पर याद से कैसे भी करके आज हमारी दीदी से अपनी मन की बात बोल देना, ठीक है? यार, आज तो हमारी भी शादी की सालगिरह। सूरज, आपको भी शादी की सालगिरह मुबारक हो। हम चलते। तुम्हें भी। शुक्रिया। ओए, क्या कर रहा है? ऐसे लगाते फूल? नीचे उतर, नीचे उतर, हम खुद कर लेंगे। अगर शाम को कुछ खास नहीं कर रही हो, फ्री हो, तो चलोगी हमारे साथ डेट पर? तो तुम शादी की सालगिरह हमारे साथ मनाना चाहते हो? नहीं। क्या चलोगी हमारे साथ डेट पर? कैसे नहीं चलेंगे, आज पति पत्नी का नहीं, एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका का मिलन होने वाला है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। चलेंगे? जरूर चलेंगे।
की फाइल रखी थी, सिर्फ उसके लिए हमें आना पड़ा। और कौन हमारे सामान को इधर से उधर करता है? इरफान, वो नहीं होगी, ध्यान से देखो ना एक बार। ये देखो, ये रही, ध्यान कहाँ है आपका? हमारे ध्यान की बात कर रही हूँ। आजकल हमें तुम्हारा ध्यान बहुत बटा हुआ लग रहा है, और शायद इसीलिए इतनी खुश हो तुम। फरवान, शादी की सालगिरह मुबारक हो। फरवान, क्या आज के दिन हम दोनों अपने मन मुटाव भूल कर शादी की खुशी नहीं मनाई सकते? आज के दिन हम और आप एक हुए थे फरवान, तो इसी की खुशी में मनाई सकते ना हम? ठीक है, हम शाम को जल्दी घर वापस आ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आज रात फिफा, आज की रात हम आपका कछु बताए वाले। अगर शाम को कुछ खास नहीं कर रही हो तो चलोगी हमारे साथ डेट पर? सूरज, आज ही वो दिन है जब हम तुमसे अपनी दिल की बात कहेंगे। बस ये इजहार एक तरफा ना। ओए, अरे यहां पर क्यों रख दिया? वहां पर बिछाओ ना इसे। आप दूसरा सामान लेकर आओ, ये हम कर लेंगे। लाओ, जल्दी करो यार। अरे इमली, तुम यहां? मतलब है इमली, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कौनो बात नहीं सूरज, हम जानते कि आप का सोच रहे हो और हमका यहाँ से जाए के लिए काहे बोल रहे हो, पर अब चिंता नहीं करो सूरज। हमारा आज का सुख हमारे पुराने दुख से बहुत ही बढ़कर है, तभी तो हम यहाँ आए। और आपका तो याद ही होगा ना कि कैसे आपने ये जगह को हमरे और विवान के लिए सजाया था, तो समझ लो आज हम यहाँ आए हैं यही जगह को सजाई के लिए, आपके और दीदी के लिए अपना पुराना हिसाब चुकता करे को आए। पर वर कछु नहीं सूरज, हम यहाँ आए हैं आपकी मदद करने, तो हम कर ही जाए। तो हम पहले वो गुब्बारे में हवा भराने से शुरू करते। वेडिंग एनिवर्सरी भैया। थैंक यू राग, तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद थी? हम सब इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखते हैं। थैंक यू। अरे आप काम में डूबे, घर जाइए, अपनी बीवी साहिबा को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाइए। अरे हम जाने ही वाले थे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार क्यों? तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। भैया आप किस बात का थैंक यू? अग्नि, थैंक यू इसलिए कि तुमने हम पर इतना विश्वास किया और हमसे कोई भी चीज नहीं छुपाई, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे रास्ते में बताएं।
तो हमारे भैया ने भी हमसे राज छुपा रखे हैं। सिर्फ तो बताइए, हम बेचैन हैं आपके राज जानने के लिए। पहला राज तो ये कि मिसेस कमल नारायण राजवंशी, यानी कि आपकी रंजना माँ, उन्होंने हमारे पापा यानी कि अपने पति मनोहर राजवंशी का कत्ल किया। क्या? दूसरी बात तो और भी बड़ी है। तुम्हारी मेहनत है, लेकिन इमली बार बार हमारे मन में एक ही बात आ रही है, तुम्हें यहाँ इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। ये वही जगह है जिसने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया। भूल जाओ सूरज, जो बीत गया सो बीत गया। और वैसे भी हमारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। खुशी की एक किरण है जो हम अपने आंचल में छुपाए के घूम रहे। ऐसी क्या बात है, हमें भी बताओ। आपके पहली बात ने हमारे होश उड़ा दिए।